गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति शर्मा फ्रॉम आदर्श पाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुनियर, योर असिस्टेंट टीचर। यस्टरडे वी हैव स्टडीड अबाउट डाइवर्सिटी। हमने अलग अलग रीजन में कैसे लोग सर्वाइव करते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा। कल पढ़ा था ना कि जो कोल्ड रीजन है वहां पे जो पीपल रह रहे हैं उनकी ऑक्यूपेशन अलग है, उन लोगों का खाने पीने का तरीका अलग होता है, कपड़े पहनने का तरीका होता है अलग होता है। तो उसी तरीके से हॉट डेजर्ट जो है, जो कोल्ड रीजन है, इन सभी में अलग अलग जो है वैरायटीज जो है वो हमने देखी। तो ये जो डिफरेंस है अलग अलग रीजन में, इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन फिर भी इन सब में क्या है, इक्वलिटी, एक यूनिटी है। डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या देखी जाती है, इक्वलिटी देखी जाती है ना। तो टेक आउट पेज नंबर 11, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। की इंडिया की जो डाइवर्सिटी, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, सबका जो कल्चर है वो अलग अलग है ना, लेकिन फिर भी यूनिटी, एकता के साथ सब है रहते हैं ना। तो ये जो यूनिटी है, ये डाइवर्सिटी जो है वो क्या है, स्ट्रेंथ है इंडिया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ है। When the British ruled India, women and men from different culture, religious and regional background came together to oppose it. कि जब यहाँ पर Britishers rule कर रहे थे, जब Britishers यहाँ आए थे इंडिया में rule करने के लिए, तब यहाँ के अलग अलग लोग जो different diversity से belong करते हैं, जैसे कि कोई अलग रीजन से बिलोंग करता है, जिसका कल्चर अलग है, जिसका कस्टम अलग है, ट्रेडिशन अलग है, तो ये अलग अलग रीजन के होने के बावजूद भी सबने क्या किया, मिलकर सामना किया ब्रिटिशर्स का, मिलकर भगाया ना उनको। सब लोग एक होकर जब काम कर रहे थे तो वो क्या कहलाएगी, यूनिटी कहलाती, वो क्या कहलाती है, यूनिटी कहलाती। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ India's freedom movement has thousands of people of different background in it. They worked together to decide joint action. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. तो हमने क्या देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ यहाँ के लोगों ने सबने मिलकर सामना किया, चाहे वो अलग रीजन से बिलोंग करते हो, अलग कल्चर के हो। सब लोग जेल गए तो सबको जेल में डाला गया, तो भी वो सब एक साथ ही, यानी कि उनकी जो यूनिटी है वो हमेशा काम कर रही थी, यानी कि यूनिटी के साथ वो हमेशा काम कर रही थी। ठीक है, इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दैट दे कुड डिवाइड इंडियन बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। ब्रिटिशर्स जो थे वो ये क्या सोच रहे थे कि ये अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, इनको डिवाइड करना बहुत ज्यादा इजी होगा। कई बार आप देखते हो कि जो अगर हम कोई भी काम करते हैं मिलकर करते हैं तो वो अच्छे से कंप्लीट होता है, लेकिन वहीं पर ही कोई अगर आपस में झगड़ा करवा देता है तो वो काम कैसा होता है, पूरा नहीं होता है ना। तो ब्रिटिशर्स भी क्या चाहते थे कि अगर हम इनमें लड़ाई करवाएं, इनमें झगड़ा करवा दें, इनमें फूट डाल दें, तो ये क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, ये सब अलग रीजन के हैं, इन सब का ट्रेडिशन अलग है, अलग अलग कल्चर है, जिसके कारण इनको डिवाइड करना बहुत ज्यादा इजी है। सो दे कुड डिवाइड द इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, क्योंकि वो डिवाइड कर सकते थे क्योंकि वो अलग अलग थे। एंड दे कंटिन्यू टू रूल देम, और उनका रूल करना बहुत इजी होगा अगर वो सबको डिवाइड कर देंगे। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड गेट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन यहाँ के लोगों ने क्या दिखाया कि हम अलग है लेकिन फिर भी हम में क्या है, एकता है ना, हम अलग होकर भी सब लोग मिलकर ही काम करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी पोएम दी गई है जो कि यूनिटी को शो करती है, यूनिटी के बारे में। This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre. ये song जो है वो कब गाया गया?
जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस हिंदी में सुना होगा आप लोगों ने, तो जलियांवाला बाग की जो कहानी है उसके बारे में आप लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हुआ था कहाँ, अमृतसर में, इन विच ए ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन ए लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल, किलिंग मेनी एंड वुंडिंग इवन, यानी कि जहां पर जलियांवाला बाग जो था वहां पर, अमृतसर के अंदर है ये जलियांवाला बाग, वहां पर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे, वहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या करवा दी थी, ओपन फायरिंग करवा दी थी, फायरिंग भी उन लोगों के ऊपर जिसके पास, जिन लोगों के पास कोई हथियार वगैरह कुछ थे नहीं, और उनके ऊपर ओपन फायरिंग करवा दी थी। तो उस ओपन फायरिंग के अंदर बहुत से लोग जख्मी हुए और बहुत से लोग मारे गए हैं, दोस्त जो थे वो भी मारे गए। Men and women, Hindus, Sikh and Muslim, rich and poor had gathered to protest against the British. वहाँ पर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, और या फिर वो रिच हो, पुअर हो, सब लोगों ने मिलकर सामना किया किसका, ब्रिटिशर्स का। This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. यानी कि ये जो song यहाँ दिया गया है, ये song उनकी bravery पर, यानी कि उनकी बहादुरी के ऊपर बताया गया है कि वो कितने बहादुर होकर ब्रिटिशर्स का सामना उन लोगों ने किया। So songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country rich tradition of respect for diversity. यहाँ पे जो अलग अलग सॉन्ग, अलग अलग सिंबल यूज किए जाते हैं, ये सब हमें क्या बताते हैं, देश को आजाद करने में जितने भी बहादुर लोगों ने सबने जो सपोर्ट किया था उन सबकी बहादुरी के बारे में बताते हैं, ठीक है। Do you know the story of the Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. यानी कि जो Indian flag की story क्या है? कि ये जो Indian flag है, आपने देखा ना Indian flag कितने color होते हैं Indian flag में? 3 color होते हैं। कौन-कौन से? Green, white और saffron color है ना? उसे saffron color, ठीक है? तो ये जो फ्लैग है उसको यूज किया जाता था किस लिए, कि इट वाज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कि एक बचाव के रूप में, प्रोटेस्ट के रूप में इस फ्लैग को यूज किया जाता था ब्रिटिशर्स के सामने कहीं पर भी, है ना, जहां पर भी उन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स का हमें सामना करना है तो फ्लैग उनके साथ होता था। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने अपनी बुक, उनकी बुक का नाम क्या था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। इस बुक के अंदर उन्होंने क्या बताया है कि इंडियन यूनिटी, इंडिया के अंदर जो यूनिटी प्रेजेंट है वो कहीं से लाई नहीं गई है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम खरीद कर ले आए बाजार से, तो वो चीज नहीं है यूनिटी, बल्कि बट रैदर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स कोर, यानी कि ये यहाँ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के मन में पहले से ही प्रेजेंट है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस, यानी कि हर एक चीजों पर विश्वास करना, कस्टम जो है उसको प्रैक्टिस करना, उसको फॉलो करना, एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन एनलिस्ट, यानी कि यहाँ पर देशभक्ति की भावना और किस तरीके से हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं देश के लिए प्रेम होना, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ के पीपल्स में प्रेजेंट है। सो इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि वो नेहरू ही थे जिन्होंने ये नाम दिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, अपने देश को डिस्क्राइब करने के लिए कि यहाँ पर अलग अलग लोग होने के बावजूद भी उनमें क्या है, यूनिटी प्रेजेंट, ठीक है, तो उस यूनिटी के बेस्ड पर ही नेहरू ने ये नाम दिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको इसका पीडीएफ सेंड करेंगे, उससे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है डाइवर्सिटी एंड diversity and discrimination,
डाइवर्सिटी तो हम यही चीज पढ़ रहे हैं, ये डाइवर्सिटी की बात वापस देखें। डाइवर्सिटी मीन्स हिंदी के अंदर हम इसे बोलेंगे विविधता, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल बिलोंग ऑफ डिफरेंट रिलीजन फॉलो डिफरेंट कस्टम एंड ट्रेडिशन, यानी कि अलग अलग कस्टम ट्रेडिशन फॉलो करते हुए भी, अलग अलग रिलीजन के होते हुए भी यहाँ पर क्या है, यूनिटी प्रेजेंट। ठीक है, so in the previous chapter you have discussed the meaning of diversity. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी के बारे में ही पढ़ा ना, कि अलग अलग लोग होने के बाद में भी उनमें क्या प्रेजेंट है, यूनिटी प्रेजेंट है। Sometimes people who are different from others are teased. कई बार क्या होता है कि जो लोग एक दूसरे से अलग दिखते हैं या अलग तरीके से रहते हैं, अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो वो हमेशा उनको क्या करते हैं, लोग परेशान करते हैं, टीज करते हैं, टॉर्चर करते हैं, लाफ एट, या तो उनके ऊपर हंसते हैं और नॉट इंक्लूड इन द सर्टेन एक्टिविटी और रूल, और या फिर वो किसी एक्टिविटी में उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कोई बच्चे अगर खेल रहे हैं तो वो लोग उसे खिलाना नहीं चाहिए क्योंकि वो अलग दिखता है ना, या फिर अलग तरीके से रहता है, अलग तरीके से कपड़े पहनता है, तो उसे जल्दी से क्या करते हैं, बच्चे इन्वॉल्व नहीं करते। We feel hurt and angry. ऐसे समय में उसे क्या फील होता है, बुरा लगता है, है ना, दुखी होता है वो। Helpless or sad when friends or others treat us in such way. यानी कि जब बाकी लोग इस तरीके से ट्रीट करें, सपोज आप कहीं पर खेलने जाते हो और आपको वहां लोग खिलाते नहीं है, नहीं हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, आपको आपके ऊपर हंसते हैं, तो आपको कैसा फील होगा, बुरा लगता है ना, आपको कोई खिलाता नहीं है, आपके साथ कोई रहना नहीं चाहता, या फिर आपके ऊपर हंसते हैं लोग, तो उस टाइम पर हमें कैसा फील होता है, बहुत बुरा फील होता है। Have you ever wondered why this happened? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society we live in. तो सोसाइटी के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो टीज किए जाते हैं, जिनके ऊपर लोग हंसते हैं, जिनको लोग अपने साथ शामिल नहीं करते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। We will look at how they are connected to the inequalities that exist around. Equality means क्या होता है? समानता, जहाँ पर सभी लोग समान हो, सभी को समान समझा जाए, और जो inequality है उसका क्या मतलब होता है कि जहाँ पर लोगों को समानता का अधिकार नहीं, जहाँ पर उनके साथ equality जैसा व्यवहार ना किया जाए, वो inequality कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो आपका आता है डिफरेंस एंड प्रीजुडिस। देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर। बहुत सी मोम खाना दीजिए, नहीं मैं खाऊंगा अभी खाना। यस अभिषेक, क्या बाद में खाऊंगा, अभी क्लास आ रही है मेरी। देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमें ये बताती है कि हम क्या है, हाउ वी लिव, कैसे आप रहते हो, द लैंग्वेज वी स्पीक, आप कैसी भाषा बोलते हो, उसी से ये शो होता है ना कि हाँ अगर आप अच्छी लैंग्वेज बोलते हो तो क्या बोलते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा बच्चा है। अगर हम गलत भाषाओं का यूज करते हैं तो क्या होता है, क्या बोलते हैं, बहुत बदमाश बच्चा है, यही बोलते हैं ना, इसे बोलने का भी नहीं मानते। व्हाट वी ईट, हम कैसा खाना खाते हैं, What we wear, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, The games we play, हम कैसा खेल खेलते हैं, And the things we celebrate, और कैसे हम चीजों को celebrate करते हैं, जैसे आप अपना birthday celebrate करते हो, या फिर कोई भी function जो organize किया जाता है ना, तो हम उसको किस तरीके से celebrate करते हैं। अगर आप अच्छे से celebrate करते हो तो means क्या, आप एक अच्छे बच्चे हो, और या उसमें अगर आप तोड़ फोड़ करते हो, बदमाशी करते हो, तो क्या बोला जाता है, बदमाश बच्चे, यही बोला जाता है ना, दोबारा नहीं बुलाएंगे इसको, ऐसे ही बोलते हो ना। All of these are influenced both by the geography and the history of the place where we live. ये सारी चीजें किससे इन्फ्लुएंस होती है, उन चीजों से कि जो हमारे आसपास है, हमारे आसपास जैसा एनवायरनमेंट होगा, हमारी लैंग्वेज, हमारा रहना सहना, सब चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती है, है ना। You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. कि अगर आप देखते हो तो इंडिया जो है उसके अंदर बहुत से अलग अलग तरीके के लोग दिखाई देते हैं, आपको दिखाई देते हैं ना। देयर आर
एट मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कितने रिलीजन है, एट मेजर रिलीजन है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, एवरी सिंगल ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया, और हर एक रिलीजन इंडिया के अंदर प्रेजेंट है. We have more than 1600 languages. हमारे पास कितनी भाषाएं हैं? 1600 languages हैं हमारे पास. And that are people mother tongue. और वो क्या है? Mother tongue. Mother tongue क्या होती है? मातृभाषा जिसे हम कहते हैं. And there are more than 100 dance forms. 100 dance forms हैं अलग अलग. So yet this diversity is not always celebrated. सारी चीजें एक साथ celebrate नहीं की जाती. But this is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. लेकिन जो हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह रहते हैं या हमारी तरह भाषा बोलते हैं, उन लोगों के साथ हमें कैसा फील होता है? सेफ फील होता है, सिक्योर फील होता है कि हाँ हम सुरक्षित हैं, है ना. और थोड़ा कोई अलग भाषा बोलने वाला होता है तो उससे हमें क्या लगता है? डर लगता है कि पता नहीं कौन है, कैसे लोग हैं, किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, है ना. सो समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. यानी कि जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारी तरह नहीं दिखते हैं, हमारी तरह भाषा नहीं बोलते हैं, तो वो हमें कैसा लगता है? स्ट्रेंज लगता है, अजनबी लगता है, और हम उससे ज्यादा कुछ बात करना भी पसंद नहीं करते. एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजन व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस. समय तो हमें नहीं पता चलता है कि वो हमसे अलग क्यों है, है ना, अलग क्यों दिखाई दे रहा है, अलग तरह की भाषा क्यों बोल रहा है. पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन अबाउट अदर हु आर नॉट लाइक देम. और जो आपकी तरह नहीं दिखता है, आपकी तरह भाषा नहीं बोलता है, तो आपको क्या लगता है? आप उसकी तरफ क्या थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हो कि नहीं, हमें आपसे बात नहीं करनी है. सो लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ. यहाँ नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि रूलर और अर्बन लाइफ के बारे में बताते हैं. टिक मार्क दोस दैट यू एग्री, यानी कि आपको क्या करना है, इस पे टिक करना है कि जिससे आप एग्री हो तो उसको तो राइट टिक करना है, जिससे आप एग्री नहीं हो उसको रॉन्ग टिक करना है. डू यू हैव ए प्रीजुडिस अगेंस्ट रूलर और अर्बन पीपल? अर्बन और रूरल पीपल, रूलर और अर्बन पीपल क्या होते हैं? अर्बन मीन्स शहर में रहने वाले लोग, रूरल पीपल गांव में रहने वाले लोग, ठीक है. तो जब आप शहर और गांव के बारे में अगर कुछ बात करते हो तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आती है? फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस द रीजन व्हाई पीपल हैव दिस प्रीजुडिस. प्रीजुडिस मीन्स हम पहले से अनुमान लगाते हैं कि क्या चीज है. आप कोई भी नाम आपके दिमाग में आता है, जैसे आप शहर लेते हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगी? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, भीड़, गाड़ियाँ, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें आती है ना दिमाग के अंदर. और जैसे हम विलेज के बारे में बात करना चाहते हैं या विलेज का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में क्या चीजें आती है? फील्ड आएगा, गांव के लोग जो एनिमल्स रखते हैं, खुली जगह दिखाई देगी आपको, ये सारी चीजें आती है ना दिमाग के अंदर. तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? प्रीजुडिस कहलाती है, जिसके बारे में हम पहले से ही किसी चीज के बारे में अनुमान लगाते हैं. सो कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रीजुडिस दैट यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू? हाउ डू दे अफेक्ट द वे इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर? तो देखो, रूरल पीपल जो है, मोर देन 50% ऑफ ऑल द इंडियंस लिव इन विलेजेस. ये तो आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ पर है? विलेजेस के अंदर भी है. विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ. विलेजर्स जो होते हैं वो अपने हेल्थ के बारे में नहीं देखते हैं. दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशंस, यानी कि सुपरस्टिशंस मींस वो अंधविश्वासी ज्यादा होते हैं. पीपल इन विलेजेस आर बैकवर्ड एंड डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी. कि विलेज के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर पुरानी चीजों से ही खेती का काम करते हैं, न्यू टेक्निक को यूज नहीं करना चाहते. And in peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the field. और जब खेती का समय आता है फसल काटने का, तो 12 से 14 घंटे तक लोग क्या करते हैं? खेतों में काम करते हैं. Villagers are forced to migrate to cities in search of work. बहुत से villagers जो क्या करते हैं, काम की खोज में गांव से शहर की तरफ आते हैं, ठीक है. ये सारी बातें सही है ना. अब अर्बन पीपल के लिए क्या दिया गया है कि लाइफ इन द सिटी इज इजी. शहर के अंदर लाइफ कैसी होती है? इजी होती है. पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी. यहाँ के लोग कैसे होते हैं? आलसी होते हैं.
काम नहीं करना चाहते. इन सिटीज फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर. शहर के लोग आपस में एक दूसरे के साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम बहुत कम स्पेंड करते हैं. एंड पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल. शहर के लोग सिर्फ पैसे के बारे में सोचते है ना. तो जो चीज आपको सही लगती है उस पर राइट क्लिक कर देना, जो चीज आपको गलत लगता है उस पर रॉन्ग क्लिक कर देना. लिविंग इन द सिटी इज एक्सपेंसिव. शहर में रहना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है. ठीक है. ए लार्ज पार्ट ऑफ पीपल अर्निंग इज स्पेंड ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट. कि लोगों का ज्यादातर जो इनकम है वो किसके ऊपर स्पेंड हो जाता है, या तो किराए के ऊपर और या फिर ट्रांसपोर्ट के. जैसे कि कोई कहीं जॉब करने के लिए जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, तो उसके उस किराए में ही उसका जो ट्रांसपोर्ट जो है उसी में ही उसका पूरा खर्चा लग जाता है. सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट. कि शहर के लोग जो कि जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, और वो लोग कैसे होते हैं, बहुत चालाक होते हैं और तेज होते हैं. ठीक है. सो सम ऑफ दिस स्टेटमेंट, सी विलेजर्स आर एज इग्नोरेंट एंड सुपरस्टिशियस एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड. इसमें हमने क्या पढ़ा कि एक तरफ तो जो जहां हम पढ़ रहे हैं कि गांव के लोग क्या है, अंधविश्वासी है, जो पुरानी चीजों के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर के लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा मनी माइंडेड होते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए उसके बारे में सोचते हैं. लेजी है, कनिंग है. व्हेन आवर ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, सीइंग देम एज लेजी, कनिंग, स्टिंग एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट, देन दीज बिकम प्रेजुडिस. यानी कि जैसे हम ये चीज क्या कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं ना, शहर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि हाँ वो बहुत लेजी है, शहर के लोग बहुत आलसी होते हैं, बहुत चालाक होते हैं. तो ये सारी चीजें क्या है, अनुमानित है, तो ये प्रीजुडिस कहलाता है. ठीक है. यानी कि हम किसी के बारे में अपना विचार बता सोच रहे हैं. सो बिकम प्रीजुडिस दैट वी कैरी अबाउट दैट, जो कि हम किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं. ठीक है. तो प्रीजुडिस क्या होता है? प्रीजुडिस मींस टू जज अदर पीपल नेगेटिव. प्रीजुडिस मींस कि हम किसी के बारे में नेगेटिव विचार हमारे मन में आता है. एंड सी देम एज इनफीरियर विद व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स, वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स. जिसमें हम क्या करते हैं, प्रीजुडिस के अंदर हम अपना अनुमान लगाते हैं, जिसमें हम दूसरों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारा जो विचार होता है उनको लेकर उस चीज को हम एक्सप्रेस करते हैं. You who may prefer to do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. यानी कि suppose आपको English language बहुत अच्छी लगती है, तो बाकी भाषाएं आपके लिए क्या हो गई, negative impact आ रहा है आपको उसके लिए, और English आपके लिए best हो गया, है ना. तो उसी तरीके से हम किसी person के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जब हम कोई thought करते हैं, सोचते हैं, तो वो चीजें क्या कहलाती है, प्रीजुडिस कहलाती है. यानी कि हम किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं. एज ए रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश. और फिर जो पीपल जो इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषाएं बोलती हैं उनको भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. तो ये क्या कहलाता है, प्रीजुडिस कहलाता है. तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर कल मैंने आप लोगों को कुछ वर्ड मीनिंग्स भी दिए थे करने के लिए, दिए थे ना. आज के लिए yes, जो आपके वर्ड मीनिंग्स है वो देखो, कल 10th है. आज जो आपको वर्ड्स करने हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग है, वो फर्स्ट चैप्टर का ही था, 10th का करवाया था मैंने. आज मैम आपने फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ नहीं भेजा.
यहाँ तक आपको ये वर्ड्स जो है इनके वर्ड मीनिंग लिखने हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट, ठीक है? उसको आपने फेयर मोड में करना है। और कोई डाउट है फर्स्ट चैप्टर?